हाय फ्रेंड, क्यों ये आगे देख बना क्यों? ये देखिए, हमारे पास बूफर रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। और इसमें दिक्कत ये है कि ये इसमें लाइट आ रही है पर चली जा रही है। फिर देखिए, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए लाइट, इसमें देखिए आ गई। ये देखिए लाइट गया। देखिए यही दिक्कत है इसका। ये देखिए, चलिए इसको हम ठीक करके आप लोग को दिखाते हैं। बिलिंग कर रहा है, देखिए फिर डिस्प्ले पर लाइट। सबसे पहले हम यहाँ से खोलेंगे इसको। देखिए यहाँ से खोलेंगे इसका, वोल्टेज चेक करेंगे हम। सारे स्क्रू बाद इसको खोल लेंगे हम। देखिए फ्रेंड, खुल गया है। अब इसके इसके बाद देखिए, ये देखिए इसका पीएफ फूट गया कैपेसिटर का। ये देखिए फूला हुआ है। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से फूल गया ये। चलिए इसको बाहर हम निकालते हैं इसको। ये देखिए फैन देख रहे हैं, फट गया ये, बिल्कुल ओपन हो गया। और इसका वोल्टेज जो है 47 VUF है, 47 VUF है और 25 वोल्ट का है। ये देखिए, चलिए इसमें दूसरा हम लगाते हैं। ये देखिए मैं 25 वोल्ट 47 VUF है। अब इसको हम चेक करते हैं एक बार फिर। चलिए फ्रेंड, अब इसको हम चेक करते हैं।
तो पहले हम इसको मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज चेक करेंगे। ये देखिए 22 वोल्ट आ रहा है यहाँ पर। और इसका दूसरा जो कैपेसिटर है ये देखिए यहाँ पर है 14 वोल्ट आ रहा है। दोनों पर सेम आना चाहिए फ्रेंड, कुछ इसमें का खराबी भी है। देखिए वोल्टेज देखिए इसका 14 वोल्ट आ रहा है, इस पर 14.5 आ रहा है इस पर। और इस पर देखिए 22.1 आ रहा है, 22 वोल्ट आ रहा है इस पर। मतलब इसमें कुछ खराबी है, तो इसको कैसे तो पकड़ेंगे वो बता दे रहे अभी आप लोगों को। सबसे पहले हम पीसीबी को बाहर नहीं निकालेंगे इससे, ठीक है। इसको खोल लेंगे सबसे पहले फ्रेंड। इसके बाद ये खोल लेंगे, देखिए इसका सिस्टिंग पॉपुलेट है, इसका आईसी का है 20-30 का, ये आईसी लगा हुआ है। अब इसको हम पावर देंगे। सबसे पहले उसका ट्रांसफार्मर चेक करेंगे, वोल्टेज यहाँ पर वो बराबर आ रहा है या कम बेसी आ रहा है। अब मल्टीमीटर को हम देखिए एसी बोर्ड पर रखेंगे, 200 पर देखिए, 200 पर आइए। अब यहाँ से इसको चेक करेंगे, बोल्ट बराबर आना चाहिए इसको। ये देखिए 1.14
14 वोल्टेज मेरे नेके पर आ रहा है, ये देखिए दोनों पिन पिनों पर वो बराबर आ रहा है। पीसीबी के पीसीबी में ये दिक्कत है। इसके पीसीबी में ये दिक्कत है, इसका जो डायोड चेक करेंगे हम। चलिए इसका देख इसमें लगा देते हैं ऐसे। अड़तालीस वोल्ट आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर भी 18 वोल्ट आने लगा ठंडे की। इसमें 19 आ रहा है। कैपेसिटर को हम चेंज करके भी देख लेते हैं, इसका ही दूसरा वाला। कैपेसिटर के बीच बिल्कुल ठीक है, फ्रेंड देखिए कैपेसिटर के बिल्कुल ठीक है इसका। मालूम ना फौरन अगर बात हुआ उधर बा
पर सेम आ रहा है, देखिए इन दोनों पर सेम आ रहा है। चलिए इस पर चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ देखिए बिल्कुल ठीक ठीक हो गया है। अब चलिए इसको पैक करते हैं। इसका यही कैपेसिटर फटा हुआ था फ्रेंड, उन्नीस वोल्ट आ रहा है इस पर भी और इस पर भी 19 वोल्ट आ रहा है। ये बिल्कुल ठीक है। अब देखिए सेम वोल्टेज है दोनों। चलिए इसको पैक करते हैं।
चलिए इसको चेक करते हैं चलिए इसको पावर देकर चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड बिल्कुल ओके है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर ले जल्दी से फ्रेंड, और फॉलो भी कर लें इंस्टाग्राम पर जाकर।